दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग कर रहे हैं आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई से ये डायरेक्ट न्यूज निकल कर आ रही है और कहीं ना कहीं सोमवार के दिन बाजार के लिए एक बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रही है। आरबीआई ने आज के दिन फॉरेक्स रिजर्व का जो डाटा है उसे रिलीज किया है और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अगेन हमें लगभग 2.23 बिलियन US डॉलर से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है और ये पिछले दो सालों के सबसे निचले स्तर पर जाकर पहुंच चुका है। फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश के लिए कह सकते हैं कि एक तिजोरी का काम करती है, जहां पर वो फॉरेक्स रिजर्व को सेव करके रखती है और उस फॉरेक्स रिजर्व से उस कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। जैसा कि अगर हम श्रीलंका क्राइसिस की बात करें तो श्रीलंका के अंदर भी जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुए और इसी के चलते श्रीलंका की आज के टाइम पे जो सिचुएशन है वो आप सभी के सामने है। तो इंडिया के भी फॉरेक्स रिजर्व कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन चुका है। आप देख सकते हैं दिस इज द सिक्स्थ वीक फॉल इन द कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व। द फॉरेक्स रिजर्व हैड ड्रॉप बाय 7.941 बिलियन US डॉलर ड्यूरिंग द वीक ऑन 2nd September। तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट अगर बात करें रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 80 बिलियन US डॉलर से डिक्लाइन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अभी भी स्लोडाउन हमें देखने को मिल सकता है, गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और इस गिरावट का बेनिफिट आपको कैसे उठाना है, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। आज के दिन हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आप हर गिरावट में इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर एड करते हुए चल सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली कंपनी का नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल के दिन हमें 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन बात करें कंपनी की तो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड करती क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है और इस कंपनी की डिमांड फेस्टिवल सीजन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अगर हैवेल्स की बात करी जाए तो मैक्सिमम ईयर्स में ये कंपनी 68,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। यही नहीं, कंपनी फाइनेंशियली भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है। तो यदि आप हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी के साथ में आप जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट चॉइस आपकी हो सकती है। बात कर ली थी नेक्स्ट शेयर के बारे में, नेक्स्ट शेयर का नाम तो आपको समझ आ ही गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेकर आज के दिन एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है इनके एचआर चीफ की तरफ से, जहां पर टाटा मोटर्स इज एक्सपांडिंग इट्स टैलेंट बेस वाया इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज एंड अपस्किलिंग। जैसा कि आपको बताया कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और डेफिनेटली टाटा मोटर्स अभी लीड कर रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है कि इसके कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन टाटा मोटर्स के एचआर चीफ का कहना है कि कंपनी इनोवेशन और अपस्किलिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इसी को देखते हुए ये शेयर्स हमेशा से लाइमलाइट में रहता है। अगर टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक सेल और अगर यहाँ पर बात करी जाए ग्लोबल सेल्स की, अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हटा दें तो मैं इस शेयर्स को रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आने के बाद में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ग्रोथ के बाद में टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सुधरी है और साथ ही साथ ये पूरी तरीके से मोनोपोली का बिजनेस कर रहे हैं। तो यदि आप टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो ये शेयर्स बहुत ही सही प्राइस पर अभी आपको देखने को मिल रहा है। 415 रुपये से लेकर 420 रुपये की रेंज में आप इस शेयर्स के अंदर खरीदारी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अगर एक स्विंग ट्रेड के रूप में भी आप टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो 510 रुपए तक का टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं तीसरे शेयर के बारे में, इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 6% की तेजी हमें इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। ये कंपनी बहुत ही शानदार बिजनेस कर रही है और उस बिजनेस की ग्रोथ हमेशा हमें देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इजी माई ट्रिप प्लानर्स इज एन इंडियन ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है, जिससे आप होटल्स और बहुत सारे यहाँ पर एयर टिकट्स, हॉलीडे पैकेजेस, बस बुकिंग्स, बहुत सारी सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हैं और इंडिया में इनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके चलते हुए अगर आप इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर भी नज़र मारेंगे तो जून क्वार्टर में इजी ट्रिप प्लानर्स का रेवेन्यू 368% से ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट 114% से ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
इस कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी लिस्टिंग के बाद 300% की रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। तो डेफिनेटली इस कंपनी के साथ में आप जा सकते हैं। 400 रुपए की रेंज में अगर ये शेयर आपको मिलता है तो यहां पर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर के शेयर्स के बारे में, जहां पर फ्री फॉल हमें देखने को मिला है, यानी कि कंटिन्यूसली हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। जी हां दोस्तों, केमिकल सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी जिसकी अंदर काफी अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी हम पास में देखने को मिल चुकी है। लेकिन ये साल दीपक नाइट्राइट लिमिटेड कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। अपने 52 वीक के हाई से शेयर्स अभी भी लगभग 11% डिक्लाइन है, यानी कि 11% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और इसी साल इस कंपनी के जो प्लांट है उसमें भी हमें आग लगते हुए देखने को मिली है, फायर ऑकर्स देखने को मिला है, जिस कारण से यहां पर कंटिन्यूसली ये शेयर्स हमें एक सेलिंग प्रेशर में देखने को मिला है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये शेयर अभी आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप दीपक नाइट्राइट की पास परफॉर्मेंस देखेंगे तो 11,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स ये केमिकल सेक्टर बेस्ड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी हमें काफी स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। अगर जून क्वार्टर के मार्जिन इशू को हटा दें तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस ईयरली बेसिस पर काफी अच्छी रही है, तो ये चॉइस भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बात कर लेते हैं एट द एंड लास्ट शेयर्स के बारे में, फिफ्थ नॉट द लिस्ट। कंपनी का नाम है लिंडे इंडिया लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको इस शेयर के अंदर 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप देख पाएंगे लिंडे इंडिया लिमिटेड ने भी मैक्सिमम ईयर्स में 8,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। वहीं अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं, जहां कंपनी का रेवेन्यू 13% से और कंपनी का प्रॉफिट तो 137% से ग्रो हुआ है, क्योंकि कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के अंदर 100% से भी ज्यादा की जंप दिखाई है। तो ओवरऑल ये 5 बेस्ट स्टॉक्स थे, जहां पर आप एक एक दो दो करके भी शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं हर गिरावट में, और मार्केट में हो रही गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ही टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, साथ ही साथ इन पर्टिकुलरली किसी भी स्टॉक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।